गुड मॉर्निंग बच्चों। नौ विषय हिंदी व्याकरण। आज का अपना शीर्षक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? समान रूप से ज्ञान होना, इसका शाब्दिक अर्थ है समान रूप से ज्ञान होना। परिभाषा, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दशा दोष दिशा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहला वाला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री राम, महात्मा गांधी, गंगा, हिमालय, भारतवर्ष, रामचरितमानस, जयपुर, अजमेर इत्यादि। श्री राम और महात्मा गांधी कहने से एक एक व्यक्ति का, हिमालय कहने से एक पर्वत का, भारतवर्ष कहने से एक देश का, रामचरितमानस कहने से एक पुस्तक का और जयपुर अजमेर से एक एक नगर का बोध होता है। अतः ये सब उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूपों में होती हैं। पहला वाला है व्यक्तियों के नाम, जैसे किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे श्याम, हरि, सुरेश, कमला, मनीषा, यशोदा आदि। दूसरा है दिशाओं के नाम, जैसे दिशा होती है उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, इनके नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। देशों के नाम, भारत, जापान, नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, रूस। राष्ट्रीय जातियों के नाम, भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम, काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, सरस्वती, कावेरी, सिंधु। पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, कराकोरम। नगरों के, चौकों के, सड़कों के नाम, वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग आदि। पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम, रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, राजस्थान पत्रिका, भास्कर। ऐतिहासिक युद्धों एवं घटनाओं के नाम, पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति आदि। दिनों महीनों के नाम, मई, जून, अक्टूबर, सोमवार, मंगलवार। त्योहारों उत्सवों के नाम, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयदशमी, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, वैसाखी, लोहड़ी, पोंगल, ईद इत्यादि। ये जो सारे हैं इन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, यानी इन सब से एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक एक चीज़ का पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरी अपनी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा से एक जाति के सब पदार्थों या उनके समूह का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पर्वत, नदी, गाय, फूल, पुस्तक इत्यादि। यहाँ लड़का कहने से सभी लड़कों का, पर्वत कहने से सभी पर्वतों का, नदी कहने से सभी नदियों का, फूल कहने से सभी फूलों का, गाय कहने से सभी गायों का और पुस्तक कहने से सभी पुस्तकों की जातिगत बोध होता है। संबंधियों, व्यवसायों, पदों, कार्यों के नाम, भाई बहन, दुकानदार, सौदागर, पंसारी, मंत्री, चूल्हा, शिक्षक, प्राध्यापक, चोर, ठग, डॉक्टर, नेता इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम, घोड़ा, गाय, कुत्ता, कौवा, चिड़िया, कोयल, तोता, मैना। प्राकृतिक तत्वों के नाम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, झंझावत, बाढ़ इत्यादि। इन सब में जातिवाचक संज्ञा होती है, यानी इन सब के, इन शब्दों से या शब्द समूह से किसी विशेष जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा तीसरी अपनी है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, मनुष्यता, विनम्रता, बुराई, भलाई, मिठास, क्षमा, दया, प्रेम,
वीरता, बचपन, जवानी, नम्रता और सज्जनता इत्यादि। इन विशेष शब्दों से भाव का बोध होता है, यानी ऐसे चीज जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, उसे भाव कहते हैं। तो इनसे भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह आज का अपना शीर्षक था संज्ञा। धन्यवाद।